हेलो एवरीवन, मैं ना विवेक और आप देख रहे हैं एनिमल वंडर। तो आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ पोकेटॉन 2 के चैनल पे और एक स्पेशल कोलैबोरेशन वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एटर्नेटस वर्सेस आर्सिस के बारे में कि अगर दोनों के बीच में बैटल होती है तो कौन सा पोकेमोन जीतता है। अब देखो, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं दोनों पोकेमोन की प्रॉपर समरी देना पसंद करूंगा ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि दोनों पोकेमोन किस टाइप की एबिलिटी, किस टाइप की पावर रखते हैं और दोनों पोकेमोन के बीच में बैटल होती है तो किस पोकेमोन की जीतने के ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले पोकेमोन की समरी मैं एक्सप्लेन करूंगा यानी एटर्नेटस की, और दूसरे पोकेमोन की समरी पोकेटॉन 2 एक्सप्लेन करेगा यानी आरसीएस की। सो अगर हम लोग बात करें एटर्नेटस के बारे में तो एटर्नेटस को अभी गला रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया है और मेरे को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। अभी इसका पोकेमोन का एनिमे चल ही रहा है और जितना अभी गेम में इसके बारे में बताया गया उतना ही मैं इसके बारे में आइडिया दे सकता हूँ और बता सकता हूँ। एटर्नेटस एक एलियन स्पीसीज है जो मीटर के द्वारा आ गई थी अर्थ पे और उसी से पूरा गला रीजन क्रिएट हुआ था उसी मीटर से, और उसी मीटर से सारे पोकेमोन को जायगेंटा मैक्स फॉर्म मिली थी। इसलिए हमें गला रीजन में ही है ना ज़्यादातर जायगेंटा मैक्स पोकेमोन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एटर्नेटस के बारे में तो एटर्नेटस भी इवॉल्व हो सकता है अपने एटेना मैक्स फॉर्म में, और जब वो एटर्नेटस मैक्स फॉर्म में इवॉल्व होता है गाइज तब उसके बेस स्टैट होते हैं 1000 के करीब। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। लेकिन बाद में एटर्नेटस को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद है ना एटर्नेटस कभी भी अपने एटर्ना मैक्स फॉर्म में इवॉल्व नहीं हो सकता है। और एटर्नेटस के नॉर्मल बेस स्टैट 690 और आरसीएस के बारे में मैं नहीं पोकेटॉन 2 बताएगा, तो चल भाई हो जा शुरू। आरसीएस एक नॉर्मल टाइम मिथिकल पोकेमोन जो कि हमें इंट्रोड्यूस करवाया था जनरेशन 4 में, और ये पोकेमोन क्रिएटर ऑफ द पोकेमोन वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये मोस्ट पावरफुल पोकेमोन है पोकेमोन वर्ल्ड में, एंड इसके हाईएस्ट बेस स्टैट है नॉन मेगा इवॉल्व पोकेमोन में, और ये किसी भी टाइप में चेंज हो सकता है। आरसीएस के पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है मल्टी टाइप, और ये एबिलिटी आरसीएस के पास एक्सक्लूसिव है, मतलब ये एबिलिटी और किसी पोकेमोन के पास नहीं है। मल्टी टाइप एबिलिटी आरसीएस को अलाउ कर देती है कौन से भी टाइप में चेंज होने के लिए जो भी टाइप का प्लेट वो होल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फ्लेम प्लेट होल्ड कर रहा है तो वो फायर टाइप में चेंज हो सकता है। लाइकवाइज अगर वो स्प्लैश प्लेट होल्ड कर रहा है तो वो वाटर टाइप में चेंज हो सकता है। पोकेडेक्स के हिसाब से आर्सेस ने अपने 1000 आर्म्स के साथ इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, पर यार आर्सेस के पास तो आर्म्स है ही नहीं, तो ऐसा अज्यूम किया गया है कि उसने अपने जजमेंट मूव से इस पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया एंड शेप किया है। एंड यार आर्सेस ने क्रिएट किया है क्रिएशन ट्रियो को जो कि डीएलका, पालकिया एंड गिराटिना। एंड आर्सेस ने डीएलका को शक्ति दी टाइम को कंट्रोल करने की, एंड यार पालकिया को शक्ति दी न्यू डायमेंशन क्रिएट करने की एंड स्पेस को डिसऑर्ड करने की, एंड गिराटिना को शक्ति दी डिसऑर्शन वर्ल्ड में जाने की अगर वो एक ऑर्ब होल्ड कर रहा हो। एंड गाइस ऐसा भी कहा जाता है कि यार आर्सेस ने क्रिएट किया लेक गार्डन ट्रियो को जो कि युक्सी, मेस्प्रिट एंड एजेर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड आर्सेस टेलीपैथी का इस्तेमाल करके ह्यूमन से बात कर सकता है कौन से भी ऑफिशियल लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी में भी बात कर सकता है जैसे कि हमें आर्सेस एंड ज्वेल लाइफ में दिखाया गया था, एंड इंग्लिश में भी, एंड ओवरऑल सारे लैंग्वेज में वो बात कर सकता है। आर्सेस ऑलमोस्ट सारे मूव लर्न कर सकता है बस उन मूव्स को छोड़ के जो कि आर्म से यूज किए जाते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि है साइज्मिक टॉस। एंड यार आर्सेस के पास बहुत ज्यादा अच्छी एबिलिटी है जो कि है वो ओवर पावर कर सकता है क्रिएशन ट्रियो को जो कि है डीएलका, पालकिया एंड गिराटिना। तो यार यही था आर्सेस के बारे में। तो नाउ गाइस तुम्हें एक आइडिया मिल गया होगा कि दोनों पोकेमोन किस लेवल की पावर रखते हैं। तो ना हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों पोकेमोन के बीच कि अगर बैटल होती है तो कौन सा पोकेमोन जीतेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस स्टैट को लेकर। तो अगर हम लोग आरसीएस के बेस स्टैट को लेकर बात करें तो आरसीएस के बेस स्टैट एकदम बैलेंस है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अटैक 120, डिफेंस 120, स्पेशल अटैक 120, स्पेशल डिफेंस 120 और टोटल बेस स्टैट होते हैं 720। तो तुम्हें इसी चीज़ से आइडिया लग जाता है कि आरसीएस कितना ओवर पावर पोकेमोन है। तो ना हम लोग बात करते हैं एटर्नेटस के बेस स्टैट को लेकर, तो एटर्नेटस के टोटल बेस स्टैट है 690। तो तुम्हें इसी चीज़ से अंदाजा लग जाता है कि दोनों के बीच में अगर बैटल होती है तो सीधी सी बात है आरसीसी जीतेगा। तो ना हम लोग बात करते हैं टाइप एडवांटेज को लेकर कि दोनों के बीच में टाइप एडवांटेज को लेकर बैटल होती है तो कौन सा पोकेमोन जीतेगा। तो सीधी सी बात है भाई आरसीसी जीतेगा, क्योंकि आरसीएस के पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो किसी भी टाइपिंग में चेंज हो सकता है, चाहे वो फायर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो घोस्ट हो, तो कैसे भी टाइप में वो चेंज हो सकता है। और एटर्नेटस के पास ऐसी कोई सी भी एबिलिटी नहीं है जिससे वो किसी भी टाइपिंग में चेंज हो पाए, तो सीधी सी बात है भाई एटर्नेटस किसी ना किसी टाइपिंग से वीक होगा ही, और उस टाइपिंग में है ना आरसीएस चेंज होकर आराम से है ना उसको टाइप एडवांटेज में हरा सकता है। तो इस मैच में है ना सीधी सी बात है भाई आरसीएस आराम से जीत जाता है।
तो ना हो तो बात करते सुपर इफेक्टिव मूव को लेकर के दोनों पोकेमोन के बीच में बैटल होती है, तो ऐसा कौन सा मूव वो लोग इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाले पोकेमोन के ऊपर भारी पड़ेगा। तो अगर हम लोग आरएसएस की बात करें तो आरएसएस के पास है अर्थक्विक। अर्थक्विक का अटैक है 120 और ये ग्राउंड टाइप अटैक है और इस ये फिजिकल अटैक है और इसका मैग्नीट्यूड साथ ही साथ बहुत बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से जो एटेनेटस है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँच सकता है इस मूव से। और अगर हम लोग बात करें इसके दूसरे मूव की, तो इसका दूसरा मूव है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड एक बहुत ही पावरफुल अटैक है जिसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका पावर काफ़ी ज़्यादा है, इससे एटेनेटस काफ़ी जल्दी फिनिश हो जाएगा। और अगर हम एटेनेटस की बात करें तो एटेनेटस के पास ऐसा कोई सा भी मूव नहीं है जो आरसीएस के ऊपर सुपर इफेक्टिव पड़े और उसके ऊपर भारी पड़े। और इवनली अगर हम टाइप एडवांटेज की भी बात करें तो उसके पास ऐसा कोई सा भी मूव नहीं है जो टाइप एडवांटेज के मामले में भी आरसीएस को भी टक्कर दे पाए, क्योंकि आरसीएस नॉर्मल टाइप पोकेमोन है और अगर वो अपने कोई भी टाइप में स्विच नहीं कर पाता है, वो नॉर्मल टाइप का भी रह जाता है, तो है ना नॉर्मल टाइप से ना फाइटिंग टाइप पोकेमोन स्ट्रांग होते हैं, तो उसके पास ऐसा कोई सही फाइटिंग टाइप मूव नहीं है जो है ना आरसीएस के ऊपर सुपर इफेक्टिव पड़े, जिससे है ना एटेनेटस आरसीएस से जीत पाए। लेकिन अगर एटेनेटस अगर एटेना मैक्स फॉर्म में इवॉल्व होता है तो है ना सीधी सी बात है भाई कि है ना एटेनेटस का चांस ज़्यादा है इस चीज़ में, अगर वो एटेना मैक्स फॉर्म में इवॉल्व हो पाता और वो है ना शायद आरसीएस से जीत भी जाता। सो गाइस आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि दोनों पोकेमोन के बीच में बैटल होती है तो कौन सा पोकेमोन जीतेगा। और ये गाइस एक स्पेशल कोलैबोरेशन वीडियो थी, तो अगर आपको कोलैबोरेशन वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक जरूर मारना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी मार देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल का नाम है एनिमल लौंडा, तुम सर्च मार के भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन तुम्हें ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से भी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस है ना पोकेडॉन 2 के चैनल को जोर से जोर सब्सक्राइब करना, भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, टाइम टू टाइम अपनी वीडियोज़ को अपडेट करता जा रहा है बंदा, मेरे को इस चीज़ से काफ़ी खुशी होती है उसकी वीडियोज़ को देख कर, और स्पेशली भाई अब वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो तुम उसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और डेली है ना नए नए पोकेमोन के स्वॉर्ड एंड शील्ड वीडियोज़ के रिव्यू देता है, मतलब एपिसोड के रिव्यू देता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए गुड बाय।